मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है, एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हम प्रमोट करते हैं नेशनली या इंटरनेशनली। आज मेरी 117 एपिसोड होने जा रही है, और आज हमेशा की तरह हमारे साथ एक बहुत हर दिल अजीज शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ का मुख्ताज नहीं है। जी हाँ, उनका पहले भी हमने इंटरव्यू किया था ड्यूरिंग द कोविड, और हमेशा ही उन्होंने, यानी कि जब भी उनसे बात हुई है, चाहे वो मुल्की सियासत हो, चाहे हेल्थ के इशू हो, बड़ी मुफसर और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गुफ्तगू उनसे हुई। जी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी है पंजाब के हवाले से। मैं केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर जुवेद अकरम साहब की बात कर रहा हूँ, जो मेरे साथ आज इस सफ़र में ख्वाबों से तबीयत तक इस एपिसोड में मौजूद हो गए। हम जाने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, और लेकिन आज जो हमारी ज़्यादा बात होगी उनके उनसे, वो एज़ ए हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, बहुत बड़ा उनके पोर्टफोलियो है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पंजाब के हवाले से, इसके ऊपर हम उनसे बात करेंगे ख्वाबों से तबीयत तक इस सफ़र में। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में, खुश आमदेद। आप दोबारा से मेरे लिए बड़ी बासे फ़ख्र बात है कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको मुबारक हो, एज़ ए आप यानी कि हेल्थ मिनिस्टर जो जिम्मेदारियां हैं सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए, कैसा लग रहा है आपको एज ए हेल्थ मिनिस्टर अब यानी कि इस चीज़ को देखते हैं? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। देखें, बिलीव मी, मेरे लिए कोई ख़ास अहमियत की हामिल नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, रिसर्चर हूँ, टीचर हूँ, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहमियत की हामिल है। ये तो एक तो हेल्थ मिनिस्टर कोई ऐसी राज नहीं है कि एक ज़िम्मेवारी मैं समझता हूँ, और दूसरा ये केयर टेकर हैं सिर्फ, ये तो एक ट्रांजिएंट टाइम के लिए हैं कि जब तक इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में या इस सूबे में इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और नहीं होते, और उसके बाद सेफ़ इलेक्शन भी होने चाहिए कि इसमें तशद्दुद और पुरतशद्दुद वाक़ियात होते हैं, तो ज़ाहिर है हॉस्पिटल पे बोझ आता है, तो अल्लाह करे ऐसा ना हो और ये जल्द इलेक्शन हो शफाफियत के साथ और ये मुल्क आगे चले। तो इसलिए हमारा तो रोल एक बड़ा केयर टेकर का है, जिसमें पावर्स भी हमारे पास महदूद हैं कि हम बहुत बड़े पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते, हम नई लोगों को नहीं, जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं रख सकते, या नए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू कर सकते, जो इस मुल्क को हेल्थ में बेइंतहा ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए केयर टेकर आते हैं कि वो कोशिश करें कि जल्द अज़ जल्द और बेहतरीन तरीके से इलेक्शन हो सकें। अब प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन की डेट देना या इलेक्शन का कंडक्शन, हमने तो एक एनवायरनमेंट देनी है। जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का काम है, और उन्हीं का काम है कि ये जो टेन्योर है हमारा कब शुरू होना है और कब ख़त्म होना है। जब हम एक ट्रांजिएंट तौर पे हैं, और जिस दिन इलेक्शन कमीशन कहेगा कि केयर टेकर्स की ज़रूरत नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अपना वापस अपना जो काम करते हैं, जो डॉक्टरी वगैरह तहकीक तदरीस वो करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इंसानियत की खिदमत के लिए ना सिर्फ आपकी बहुत सारी खिदमात हैं सारी उम्र अभी तक जितना भी है, ये एक नई चीज़ थी, एक नया रोल था एज ए यानी कि हेल्थ मिनिस्टर। नो डाउट आपके लिए शायद इसकी ज़रूरत भी ना हो, लेकिन ज़रूरत भी इस हिसाब से देखा जाए कि आप जैसे लोगों के लिए ही ज़रूरत है पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में।
तो आपके आने के बाद अगर मैं ये इसको इस तरह से दूं कि यानी कि आपकी मिनिस्ट्री में क्या आपने इनोवेशंस लेकर आई हैं छोटे से टाइम में, देखा जाए तो ये T20 जैसा मैच है, इसमें आपने डिलीवर भी करना है और उसके बिहाफ के ऊपर आगे इलेक्शंस भी होने हैं, तो हालांकि आप रवायती पॉलिटिशियन नहीं हैं, आपको इससे कोई तल्लक ही नहीं है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, ये मैं इसको अच्छी चीज़ देखता हूँ क्योंकि मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ जिसने सारी उम्र इस मुल्क में और बाकी मुल्क के बाहर भी दुनिया में बहुत जगह पे काम किया और कई सेवरल बहुत बड़े हॉस्पिटल यूरोप में या बाकी जगहों पे किया, तो जाहिर है कि इसमें फिर मुझे प्रॉब्लम्स भी पता हैं और उनका सॉल्यूशंस भी पता है। तो एक अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ है कि जो मैं करना चाहता था या मैं चाहता था कि ऐसा हो जाए हेल्थ में, सारा तो नहीं कर सकता क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि आप विद इन द सिस्टम इम्प्रूव कर सकते थे, वो हमने की। पाकिस्तान की तारीख में 1947 से अब तक पंजाब में इतनी तरक्की है, मैं चैलेंज करता हूँ किसी हेल्थ डिपार्टमेंट छोड़ दें, किसी डिपार्टमेंट में भी नहीं हुई जितनी हमने की, हज़ारों डेली बेस पे हम कई सौ तरक्कियाँ कर रहे हैं जो रुकी हुई थी पिछले कई दहाइयों से, खासकर नर्सिस की, पैरामेडिकल की, उनमें एक मायूसी का आलम था, डॉक्टर्स की, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ मुबारकों के मैसेजेस आते हैं, लोगों के बहुत दुआएं मिलती हैं, और ये उनका हमने कोई भीख नहीं दी, उनका हक था, कोई एहसान नहीं किया, यानी ऑब्वियसली मतलब एक बिल्कुल निगलेक्ट का शिकार थी ये चीज़, एक हुकूमत नहीं दी, सब हुकूमतों की तरफ से। उसके बाद देखें, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो भी हमारे गरीब लोग हैं जो निचली सतह पे हैं उनको भी वही इलाज मिले जो मुझे मिलता है या मेरे सेक्रेटरी साहब को मिलता है या गवर्नर को या चीफ मिनिस्टर को या उसकी फैमिली को। बिल्कुल ठीक है। वो ये रहा था कि मैं फॉर एग्जांपल इसमें कोई हमने 100-113 के करीब चीज़ें नहीं की, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है तो यहाँ पर अरबाब इख्तियार के लिए रात के 2-3 बजे दरवाजे चाबियाँ खुल जाती लगा बिल्कुल एंजियोप्लास्टी उसी वक्त हो जाती थी, एंजियोग्राफी मशीन की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान पंजाब में तकरीबन कई अरबों रुपए की मशीनें लगी हुई हैं, चाहे आप डीजी खान की बात करते हैं, चाहे आप रहीम यार खान की, चाहे रूरल एरियाज में स्पेशली लाहौर में एक ही हॉस्पिटल PIC में ही कोई दर्जन के करीब मशीनें हैं, फिर मेयो में हैं, जिना में हैं जो मैंने खुद लगवाई थी जब मैं उधर काम करता था, लेकिन वो काम कर रही थी सुबह 8 बजे 9 बजे से लेके तकरीबन 3 बजे तक और फिर वो बंद हो जाती थी। अगर किसी कोई आता था वहाँ हार्ट अटैक के साथ आम बंदा तो उसको वो खून पतला करने वाला टीका लगा देते थे और उसको फिर तारीख मिलती थी लंबी लंबी। ये इलाज शुरू पे 1980 में होता था, आज 2023 में दुनिया में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है फौरी तौर पे विद इन एज अर्ली एज पॉसिबल मैक्सिमम 12 घंटे में उसको ले जाएं और उसकी नाली जो ब्लॉक्ड है उसको खोलें, उसमें स्टेंट डाल दें और उसको घर भेज दें, उससे उसका हार्ट का हिस्सा डेड होने से बच जाता है और बाद में उसका हार्ट की पंपिंग सही रहती है या हार्ट फड़फड़ाता नहीं है, उसकी डेथ नहीं, चांसेस कम हो जाते। ओके, तो ये 3 बजे के बाद किसी बहरे को, किसी रेडी बान को, किसी क्लर्क को ये मुहैया नहीं थी चीज़। तो जिस दिन हमने ओथ लिया वो रात का 2 बजे सुबह लिया था गवर्नर हाउस में, तकरीबन 1-2 बजे जी, ऐसे था लेटर ऑन था, वो बड़ी इमरजेंसी में लिया गया था कि भाई ये ना हो जाए वो ना, एनी हाउ उसके अगले दिन संडे था, ये हफ्ता था, तो उधर क्योंकि सेक्रेटरी साहब भी आए थे तो मैंने उन्हें कहा कि ये हमने करना है, मैंने बड़ी देर से, अब मुझे मौका मिला है, तो उन्होंने कहा कल तो संडे है, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं आ जाऊँगा, आप 10-10:30-11 बजे तक सारे जितने कार्डियोलॉजी जहाँ जहाँ एंजियोप्लास्टी लगी है उनके सरबराहान को या तो बुला लें अभी फ़ोन करें अर्जेंट है या उनको ऑनलाइन ले लें, तो वो ऐसा ही हुआ, सब आ गए या लिया उनको ऑनलाइन, तो उधर एक बैस चिढ़ गई कि ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, नहीं, बड़ा रेजिस्टेंस था, बहुत रेजिस्टेंस, ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज वगैरह, ब्यूरोक्रेसी नहीं, डॉक्टर्स के अपने जो उनके हेड्स थे, वसाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, मैं कह यार अगर कल आज रात को, इतवार की रात को या अर्ली मॉर्निंग
मुझे कुछ होता है जो कि हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, तो मेरी तो एंजियोप्लास्टी हो जाएगी और मुझे उसकी अहमियत भी पता है कि वो जितनी जल्दी होगी मेरा हार्ट बच जाएगा डेड होने से। तो मैंने कहा फिर आम आदमी के लिए क्यों नहीं हो सकता। और मैंने उन्हें फिर कहा, जो कि बड़ा एक लोग कोट भी करते हैं, मैंने उन्हें कहा कि ये इधर हमने इसलिए आपको तकलीफ संडे को नहीं दी कि ये डिसाइड करें कि ये करना है कि नहीं करना। ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है, सब अग्री करते हैं दुनिया में, और होना चाहिए, और होना चाहिए। तो मैंने कहा ये फैसला हो चुका है कल आज सुबह गवर्नर हाउस में कि ये होना है, ठीक है, आपने सिर्फ ये बताना है कि कल से मंडे से 9 बजे शुरू करना है या 12-1 बजे शुरू करना। अच्छा। है और ये हमेशा के लिए करना फॉरएवर। वो फिर उन्होंने कहा जी ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। मैंने कहा ये इतनी जल्दी ही होगा, कल से ताले नहीं लगेंगे, बंद ही नहीं होगी आपकी मशीन। किसी ने कहा ये नहीं है, मैं कि वो सब हम पूरी करेंगे। फिर मैं खुद ज़ाती तौर पे इन इंस्टीट्यूट्स में गया, जाके इंश्योर किया, ज़ाहिर है उनको फिर सपोर्ट भी किया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हज़ारों के हिसाब से लोगों की ये हो चुकी है, करीब की रेड़ी बांध की, जो बाहरी हॉस्पिटल के बाहरी तरबूज बेच रहा है काट के ये, और वो अब मीडिया के ज़रिए हमने उसको कब बताया अभी कि जल्दी आएंगे अगर आपको छाती में दर्द है प्रॉपर जगह पे जहाँ पे एंजियोग्राफी की मशीन है। तो वो फिर हुई, फिर हमने इसको एक डैशबोर्ड बनाया जिस पे मैं भी देख सकता हूँ, चीफ मिनिस्टर भी देख सकते हैं, उनकी बहुत सपोर्ट रही, जिसमें सेक्रेटरी साहब उनकी भी सपोर्ट रही, वो भी देख सकते हैं कि ये नाली बंद है, उसकी फ़ोटो आती है, ये नाली इस वक्त आया मरीज़ यानी डोर टू नीडल टाइम, और ये नाली खुल गई उसकी भी फ़ोटो आती है। ओके। और किसने खोला, उनको लसेंस किया, बहुत सारी इसमें तगोदो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत स्मूथली चल रहा है और मेरा नहीं ख्याल अब इसको कोई अंडू कर सकेगी बाद में। अच्छा। तो इस फिर दूसरा ये था कि बहुत सारे दही इलाकों में लोग चले जाते हैं छाती दर्द या हार्ट अटैक से, अब उनका सेकेंड फेज़ ये था कि उनको पहले वहाँ पे वो पतला करके खून और इमीडिएटली 24 घंटे में उनकी एंजियोग्राफी की जाए, तो उनको अटैच किया डिपार्टमेंट। ये मैं एक बता रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारी डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, शुगर की कंट्रोल के लिए, कल अभी मैं फैसलाबाद में था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो 10-10 साल से रुके हुए थे। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट उसकी एक एग्जांपल है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह किया, करीबन 15-20 दिन हुए हैं रमज़ान में। जी जी। इस तरह मैंने खुद फतेह मोहम्मद बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डीजी खान मैंने जाके इफ्तिताह किया। निश्तर 2 ये 30 मई को इफ्तिताह हुआ है। निश्तर 2 बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 600 बेड के सुविधा मुल्तान में, हम खुद गए जाके इफ्तिताह किया। ओल्ड पीपल होम में जाते हैं, वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है बेचारे, जिनके बच्चों ने उनको डिसओन कर दिया पेरेंट्स को, उनके लिए तमाम को नेटवर्क करके हॉस्पिटल के साथ अटैच कर दिया। दवाइयात की कमी का बहुत मसला था हंगामी बुनियादों पे, अब हमने ये किया डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया। सर्विसेज हॉस्पिटल में फिल्मों की, एक्सरे फिल्मों की कमी हुई कुछ दवाइयात की, वो उनको हमें नहीं कहना चाहिए ना कहीं से खरीदनी चाहिए, वो देखेंगे कि भावलपुर में ज़्यादा फिल्में पड़ी हैं, 5 लाख फिल्में पड़ी हैं जो कि एक्सपायर हो जाएंगी, वो वहाँ से उसी डैशबोर्ड के ज़रिए करेंगे, हम देख रहे हैं उसी के ज़रिए 5 लाख ऑटोमेटेड सिस्टम बन गया कि पहले बोरो कर सकते। तो इस किस्म की फिर चीज़ें हैं। फिर हमने बहुत सारे चैरिटेबल चीज़ें की, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है हमारा इधर बच्चों का, सबसे बड़ा दुनिया का बच्चों का हॉस्पिटल है, वहाँ पे कैपेसिटी उसकी तकरीबन 1500 है, लेकिन हर वक्त 5000 बच्चा होता है, इतनी ओवर क्राउडिंग है। उसकी एक्सपेंशन हंगामी बुनियादों पे इमरजेंसी की, और गवर्नमेंट से तो हम कर नहीं सकते नए प्रोजेक्ट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस्लामिक एड वालों का, वो इंग्लैंड से बुलाया, उन्होंने आके देखा, उन्होंने वहीं पर सेंक्शन किया, उसको सेंक्शन बन गया। ओके। जो हर बच्चे के साथ एक वालद या वालदा या 2 बच्चे वो गांव से आए हुए हैं, वो रेडों पे सो रहे थे, रोड्स पे, हम गए तो चीफ मिनिस्टर भी गए तो रोडों पे, हमने मुखैर हजरात से बात की कि वहाँ से मुसाफिर खाना पेंट की, ठीक बहुत। तो ये और फिर बच्चों के अब नए हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, मुल्तान गए वहाँ भी यही हालात थे, अब मुल्तान में पूरी की पूरी 7 मंजिला इमरजेंसी मुखैर हजरात से।
डायलिसिस सेंटर प्राइवेट सेक्टर को ले जी, प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं और उनको कहा है जो मर्जी आप नाम रख लें, जिस तरह दुनिया में PKLI बहुत बड़ा हमारा हॉस्पिटल है, साथ साथ उसका बोर्ड ही कोई नहीं था, कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी, उसको वापस लाए। हेल्थ कार्ड पे जो पिछली गवर्नमेंट और उससे पिछली गवर्नमेंट ने भी किया, हमने उसको बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको बल्कि बहुत ज़्यादा हम फाल कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब सॉरी, एक परसेप्शन ये भी है कि वो हेल्थ कार्ड को आप लोगों ने मौजूदा जो गवर्नमेंट है केयर टेकर इन्होंने उसको बंद कर दिया गया है, ये नॉट एट ऑल, अभी 10 अरब रुपया दिया हमने उनको। ओके, हर जगह पे यूज़ हो रहा है हेल्थ कार्ड, ठीक है। ओके, हमारी सिर्फ इसमें गुजारिश ये है कि हम सरकार में ज़्यादा यूज़ करें, प्राइवेट हॉस्पिटल में कम करें, और हम गरीबों में करें, वो तो अमीर में भी है, मैं भी हेल्थ कार्ड का बेनिफिशियरी हूँ क्योंकि यूनिवर्सल आ गया, यूनिवर्सल आ सब। तो हम प्रो पुअर करना चाहते हैं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हैं उनको किया जाए। इसी तरह हम अपना रेफरल सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं लेकिन इंशाल्लाह कर रहे हैं। सर वो क्या है थोड़ा बताइए कि जो प्राइमरी केयर है BHUs, हालांकि वो हमारे पास नहीं है, वो दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट है, RHCs, उनको नेटवर्क कर रहे हैं टर्शरी केयर से, क्योंकि लाखों मरीज रोज़ आ जाता है टर्शरी केयर में जिनको नहीं आना चाहिए, मसलन नॉर्मल डिलीवरी आ जाती है, उनको तो वहाँ होना चाहिए BHUs में। मसलन नज़ला ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, उल्टियाँ, पेट ख़राब, ये जना हॉस्पिटल का रुख करते हैं, मैं हॉस्पिटल का, मैं ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल में नहीं होने चाहिए। तो वो एजुकेटेड नहीं ना लोग, पता नहीं लोग नहीं एजुकेटेड नहीं है, वहाँ फाल भी नहीं है हॉस्पिटल, उनके कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने चंद नाम सुने हैं, वो वहीं आके ब्रेक लगाते हैं, चाहे वो उकाड़े से आ रही है। अब उकाड़े में इतना अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ क्यों नहीं ये इलाज हो सकता, किराया भी खर्चा, सब कुछ खर्चा, फिर इधर बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ट्रीट हो, तो उससे हमारा बोझ कम होगा, हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल डिजीज़, जिसको आप पागलखाने के नाम से जानते हैं, उसमें हमने बहुत इश्यू से उनका बोर्ड बनाया, उसको रिजॉल्व किया, कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग वापस कम्युनिटी में जाके, जेलों में मैं खुद गया, वहाँ पे हर जेल में हम एक हॉस्पिटल फाल कर रहे हैं, वो भी जेलों में जो कर रहे हैं, मैं खुद जा हती तौर, वो भी हम मुहैया रिजरात से करा रहे हैं, और उन्होंने हमें मायूस नहीं किया। फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल बन रहे हैं, वहाँ डॉक्टर दे रहे हैं जेल्स में, जी जेल्स में ECG है, अल्ट्रासाउंड है, हर चीज़ लगा रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट भी वहाँ पर होना चाहिए, सब है, साइकोलॉजिस्ट भी, ओके सब कर रहे हैं। कोटलखपत जेल में जाके देखें हॉस्पिटल, आपके दिल खुश होगा, हमारे वैसे हॉस्पिटलों से बेहतर है। गुड जी, माशाल्लाह। ये इस किस्म की, फिर और ट्रॉमा के लिए हम ट्रॉमा सेंटर्स बना रहे हैं, क्योंकि ट्रॉमा का बहुत मसला था, आपको पता ही है। इसी तरह हम बहुत सारे जो हमारे लाहौर के बाहर हॉस्पिटल्स हैं उनमें मैं गया, पिनारोवाल खुद जा रहा हूँ, उनके मसाइल बहुत निगलेक्ट का शिकार था, बेड्स की कमी थी गुजरात में, उसको हमने एक्सपेंड किया, बेड्स ऐड किए गुजरात के टीचिंग हॉस्पिटल में, और इस तरह कई हमारे प्रोजेक्ट्स थे जो बिल्कुल बंद पड़े थे, उनको अब फाल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोशिश यह है कि जो हमारे आम आदमी है, जो हमारे निचली सतह के लोग हैं, उनको भी वही इलाज मिले जो एक VVIP को मिल रहा है। जिना हॉस्पिटल लाहौर में अभी नया बोर्ड भी बन गया, इतना खाना हमने तकरीबन, मैं नहीं कहूँगा 100%, लेकिन 80% हॉस्पिटल में फ्री, और वो भी मुहैया हजरात से कराया है। खाना एक बड़ा इशू था, गवर्नमेंट नहीं दे रही थी खाना, आउटडोर में दवाइयात नहीं देते थे हम, सही है, बहुत ज़्यादा जी, क्या इंडोर में हम देते थे, आउटडोर में नहीं। अब आउटडोर में इतना फंड नहीं है हमारे पास, फिर हमने मुहैया हजरात को कहा, अब जना एक एग्जाम्पल है अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ मुहैया हजरात, अभी मैं कल फैसलाबाद गया था, वहाँ के जो लोग हैं जिन जो हमें ट्रस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कल उनसे मुलाकात भी हुई, वहाँ हमने एक फार्मेसी आउटडोर में शुरू की है, उनके हवाले की है कि आप यहाँ पे आउटडोर में दवाइयात दें, कुछ हम दे भी रहे हैं हेपेटाइटिस वगैरह की, लेकिन ज़्यादातर नहीं, सब दवाइयाँ नहीं दे रहे थे वो, उन्होंने बैग कहा, उनको हमने एरिया दिया, सारा कुछ दिया। अब वहाँ भी एमरजेंसी बहुत ओवर क्राउडेड है, वहाँ हमने बहुत फ्रंट पे प्लॉट दिया है उनको कि यहाँ आप कुछ 6 मंजिला सेटअप बनाएं, बेसमेंट में पार्किंग के लिए जाए,
ऊपर हमारी इमरजेंसी नहीं बनाई, वो भी उन्होंने बना रहे हैं। तो इसलिए इस किस्म के मेरा ख्याल है कोई 125 के करीब प्रोजेक्ट्स किए हैं हमने। अपना हमारा अदारा है हेल्थ केयर कमीशन, जहाँ मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, उसको जाके बहुत फाल किया है। फाल इस तरह किया है कि हमने कहा है कि अतायत है उसका खात्मा होना चाहिए। अतायत जो ट्रेडिशनली वो तरीका था, जी, जी, वो दांत निकलवाते हैं लोग, दाता साहब के बाद हेपेटाइटिस ले आते हैं कभी, एड्स, तो इसलिए उसको क्रैम्प डाउन हमने बहुत ज़्यादा किया है। कई हमने क्वैकरी जो सेटअप थे उनको बंद भी कराया, सील भी कराया, रेस्ट भी कराया। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोशिश है, अल्लाह से यही दुआ है कि हम कुछ ऐसी नई चीज़ें कर जाएं जो फिर अगली हुकूमतें ओन करें। और ये कोई मेरा ख्याल है लोगों का हक है जो उनको मिल रहा है, ये उन्हीं के पैसे हैं और उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ये जो हमें टाइम अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि इसका हम कोशिश करेंगे कि एक सदका जारिया के तौर पे बेहतरीन सेटअप दें। फिर हमने एक पैरेलल चैरिटेबल क्लिनिक्स का भी सेटअप किया है, जो हम नहीं कर रहे, हमने लोगों को कहा है, थर्ड पार्टी, हाँ, कि आप अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र कर दें, अच्छा, अपने माँ बाप के नाम पे, वहाँ पे कैश फ्री क्लिनिक बनाएँ। तो वहाँ पे डॉक्टर, और वो ये मजंग में एक चल भी रही है, आपके क्लिनिक, आपके ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है सर, ये यही शायद इनिशिएटिव आपने खुद लिया है, मेरा अपना ख्याल है, थोड़ा सा बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 100 के करीब मरीज आते हैं, वहाँ पे मैं खुद भी प्रैक्टिस कंसल्टेंट, और 50 डॉक्टर आके टाइम देते हैं डेली बेसिस पर। जी, उन डॉक्टरों को साल बाद ये पता चलता है कि उन्होंने कितनी खैरात की, यानी कि अपना टाइम दिया, उस टाइम को कन्वर्ट करते हैं मरीजों में। मसलन एक डॉक्टर ने 30 लाख रुपए के अल्लाह के लिए मरीज देखे, तो वो 30 लाख उसकी चैरिटी चली गई, ज़कात चली गई, टाइम भी चला गया उसको। जी, उसको सर्टिफिकेट मिलता है बकायदा, और अल्मा का, अल्मा इकराम का। इसी तरह जो मरीज़ वहाँ आता है बहुत गरीब है, आप जाके देखें आप हैरान होंगे, उनके पास किराया नहीं है, फिर हमने एम्बुलेंस रखी, उनको ले के आओ, वापस छोड़ के आओ। उसके बाद हम वहाँ पर मरीज़ जब एंटर हो जाता है तो पेपरलेस इन्वायरमेंट है, और उसके तहत मरीज़ गरीब होना ज़रूरी है और मरीज़ का शदीद बीमार होना ज़रूरी है। वहाँ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम नहीं हम देखते, वहाँ अक्यूट एंड क्रॉनिक, क्रॉनिक सिर्फ देखते हैं, और वो भी सख्त बीमारी, यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट फालज, कैंसर, ये बीमारी हैं जिनको सर्जरी भी है। डॉक्टर साहब नहीं, सर्जरी माइनर सर्जरी है लेकिन मेजर नहीं, डायलिसिस, डेंटल, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज वगैरह, और साथ डेंट अपना बाकी फिजियोथेरेपी, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तो एक्सपेंड कर रहा है वो। तो वहाँ ऊपर रिसर्च सेंटर है बहुत बड़ा। तो मकसद ये है कि जो लोग आते हैं उनको गरीब बस हैं, और वो अगर वो कहते हैं गरीब हैं तो गरीब हैं, उनको रजिस्टर किया जाता है, उनको जो 3-4-5 हज़ार का डॉक्टर है वो फ्री देखता है और पूरा टाइम देता है, और उसके बाद उनको सारे टेस्ट फ्री हैं, फ्री सब, सब टेस्ट, ब्लड के, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सब फ्री, अंडर वन रूफ, यानी कि अंडर वन, वो साथ साथ ही। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, उनको अदवाइयात फ्री हैं, चाहे इंसुलिन है, चाहे कोई और दवाई है, लाइफ लॉन्ग फ्री है। वो महीने बाद की दवाई, महीने बाद आएंगे दवाई, दोबारा चेकअप होगा, दवाई मिल जाएगी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने देखा वहाँ पर आपने ना बिला तफरीक, यानी कि बड़ा VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है, मैंने खुद देखा है। मैं तो यही होना चाहिए ना सर, यही VIP है हमारे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में इतना अच्छा, यही यही हम लोगों की बख्शिश का जरिया बनेगी ये VIP। बिल्कुल, ये सदका जारी है, सदका जारी है, जो हमारी प्राइवेट क्लिनिक में आता है उससे बेहतर ट्रीटमेंट उसको वहाँ मिलता है। तो इसको एक्सपेंड करने का अभी फैसलाबाद में और कराची, लेकिन उसका मॉडल ये है कि जिसने भी वो खुलवानी है वो अपना जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको अल्लाह के नाम पे ट्रांसफ़र करें। ओके, ट्रस्टी, ताकि क्योंकि अब मैंने चला ली, सपोज मैंने दी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे उसको ओन ना करें, वो वापस ले लें प्रॉपर्टी, वहाँ प्लाजा बन जाए, फिर प्रॉब्लम, इसलिए वो एक वंस और ऑल अल्लाह को चली। ठीक, और उसके जो है ही अल्लाह की, तो उन्हीं को अल्लाह की है, बिल्कुल, जो इनकम जनरेट होगी, यानी टोटल उसी अदारे के लिए, वो NGO टाइप चलेगी, NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, के अल राफे, अल राफे अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, सब कुछ ये फ्री है, तो इनकम तो होनी नहीं है, कोई इनकम कहाँ से होनी है, तो इसलिए वो तो आप ज़कात से चलाएँ, सदक़े से चलाएँ,
डोनेशन से चलाएं, इस तरह चलता है वो, जब अल्लाह ने चलाना है तो वो चलवाएगा। डेफिनेटली जब अल्लाह का प्रोजेक्ट है तो अल्लाह ताला को कुछ रूबी से चलाए, अल्लाह चलाते हैं। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह आर यू सेटिस्फाइड जो आपको जिम्मेदारी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने बताई है उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर वही मियां साहब आपको कहूंगा कि सेटिस्फाइड तो बिल्कुल ही नहीं होंगे हम, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं करने वाली, लेकिन बहुत सारे अगर मेरे हाथ ना बंधे हों, वाकई मेरे पास वसाइल भी हों, तो लाहौर जैसा शहर जहाँ आप बैठे हैं, ये इसको आखिरी बड़ा हॉस्पिटल जो मिला था वो जिना हॉस्पिटल था, और उसको तकरीबन 35 साल हो गए हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने उसका इफ्तिताह किया था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो आज उसकी आबादी चार गुना बढ़ गई है, तो हॉस्पिटल बड़ा आया कोई नहीं। उसके नतीजे में जिना हॉस्पिटल या मे हॉस्पिटल आप चले जाएं कैमरा लेके, एक बेड पे चार चार मरीज लेटे हुए हैं। तो मैं तो फौरी तौर पर यहाँ 4 या 5 2000 बेड के हॉस्पिटल बनाऊँ और साथ मेडिकल कॉलेज बनाऊँ, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है वो हमारे मैंडेट में नहीं है, और वसाइल की भी कमी है। तो इस तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। बच्चे हमारे 40% आबादी बच्चों की है, और बच्चों के लिए कोई फुरसान हाल नहीं है, एक बेड पे चार चार बच्चे लेटे हुए हैं। तो ज़ाहिर है फिर आपकी क्वालिटी कम हो जाती है कि अगर इस कमरे में हम 20 बंदे बैठ सकते हैं, मैं इधर 1000 बंदा बैठा दूँगा तो बाथरूम भी चौक हो जाएगा, सारा कुछ ख़राब होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मज़ीद इसमें ये इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। दूसरा प्रिवेंशन की बड़ी ज़रूरत है, हमारा बजट ही नहीं है प्रिवेंशन पे। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीमारी, सिगरेट पीना, ये रोका जा सकती हैं सारी, लेकिन कोई इधर वो नहीं है। वो उसके लिए भी पॉलिसी को, लेकिन पॉलिसी हम नहीं चेंज कर सकते। पॉलिसीज़ हमारी अग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव नहीं है। कि प्रोग्रेसिव का मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग हेल्थ की करते हैं, जो कम अज कम 50 साल की हो, यहाँ पे आप अपने टर्नओवर तक ही करते हैं। बिल्कुल। ये भी बिल्कुल गलत है, इसीलिए खतर खरीदाज नहीं आते। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। फार्मास्यूटिकल में हमारी जितनी भी फार्मास्यूटिकल हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों में हैं, लेकिन वो सारी रीपैकेजिंग इंडस्ट्री है, वो इधर बेसिक रॉ मटेरियल बनाते ही नहीं है, वो इम्पोर्ट करते हैं। जब डॉलर महंगा होता है वो भी, तो मैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इनको इनक्रेज किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए कि ये रॉ। हालांकि नेशनल कंपनीज बहुत माशाल्लाह, लेकिन नेशनल वो रीपैकेजिंग ही रीपैकेजिंग रीब्रांडिंग कह ले, रीप्रेजिंग जो मतलब वो बेसिकली यहाँ नहीं बन रही, बाहर से ही आ रही 90%। आई नो तो ये मसाइल हमें पता है, लेकिन इनका मैं और कुछ भी नहीं कर अच्छा डॉक्टर साहब आपसे मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PIC से मतलब, वहाँ की शिकायत का कुछ अजाला हुआ लोगों का, बड़े लोग PIC का भी यही इशू है कि जो उसकी एमरजेंसी है वो भी हमने डोनेशन से बनवाई है, आपको पता है बहुत बढ़िया जी हाँ, लेकिन वहाँ भी ओवर क्राउडिंग बे इंतहा ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि जो अरफा क्रीम टावर के साथ एक लैंड है गवर्नमेंट की, वहाँ फौरी तौर पर PIC2 शुरू करें, ठीक है। अब वो भी ज़रूरत है, लेकिन वो हम नए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू कर सकते, हमारी मैंडेट में नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ ज़मीन और हम कर रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इजाज़त दी जाए। जाहिर है वो हमारे टर्नओवर में तो बनने नहीं रहेगा, लेकिन शुरू तो हो जाए। देखें वहाँ बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है। देखें वहाँ आप जाएंगे, व्हीलचेयर पे लोगों को हार्ट का अटैक में इलाज हो रहा है, स्ट्रेचर पर हो रहा है, नीचे कुर्सी पर बैठा के हो रहा है, और उनका मैं समझता हूँ लोग कहते हैं कि उनको सुधा मिलनी चाहिए कि कुर्सी पर इलाज हो रहा है, वो क्या करें अगर इतने मरीज़ उनको ये कहा गया है। वो ये कर सकते हैं कि जी अगर 300 बेड हैं, 300 मरीज़ आ गए, वो लिख दें हाउसफुल और जाओ भी किधर, लोग फुटपाथों में भरना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए ये मेरी भी उनको ऑर्डर है, और सब हर हॉस्पिटल को रिफ्यूज़ नहीं करना। MS अपने कमरे में क्लीने लगा के मरीज़ रख ले, लेकिन वापस नहीं भेज। हाँ, वो भी ज्यादती है, वो बहुत बड़ी ज्यादती है। उनको दूर दूर से आते हैं, उनको मायूस कर दें कि जाओ जी वापस, ये नहीं करना। सर सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट देता हूँ इसमें आपके जो CM है मोहसिन नकवी साहब का, कि माशाल्लाह उन्होंने अपनी जो टीम का इंतखाब किया ना, पहली दफ़ा मैंने देखा है बड़े टेक्निकल लोगों, जैसे दूसरा एक पोर्टफोलियो है SM तनवीर साहब के पास, वो भी इंडस्ट्री से ही है, इसलिए इंडस्ट्री के जो बिज़नेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे, इसी तरह आपको लाया गया है। तो ये इस तरह के अगर टेक्निकल लोगों को प्रोफेशनल जगहों पर लाया जाएगा, डेफिनेटली डिसीजन भी अच्छे होंगे। डॉक्टर साहब कोई एक चीज़ बता दीजिए जो आपने ऐसी बुनियाद रख दी कि आपके जाने के बाद भी डॉक्टर जुवेद अकरम को लोग इस हवाले से याद रखेंगे, वैसे तो ये सारी फतोहात ही है। देखिए मियाँ साहब, वो तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ने जब बताइज़ो मंतशा बता, तो
डॉक्टर जावेद अकरम की नीयत भी अल्लाह ही जानता है, ठीक है। सबसे पहले नीयत होनी चाहिए आपकी। नीयत मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमारी यही है कि हम एक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाएं। VVIP को सब मिलता है, चाहे वो आम आदमी एक अटेंडेंट है, कोई भी हो, या बावल नगर से आया है, मियाँ है जो अपनी बीवी के कैंसर का इलाज करा रहा है, तो उसको वो भी सुकून से कहीं रहे, तो मुसाफर खाने और ये सब उनके खाने पीने का उनका उनके पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो इधर आते ही नहीं कहीं। और ये ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, सारे ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। हम यही कोशिश बार बार के मुहैया हजरात को बीच में ला रहे हैं, लोकल जो मुहैया मुल्तान में, मुल्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत हम पे तावन भी कर रहे हैं, इतमाद भी कर रहे हैं, उन्होंने हमें मायूस नहीं किया, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी निश्तर में हमने वो बनाया है मुसाफर खाना, बहुत बड़ा उसका ही मंजिला, वो अभी फौरन हमने शुरू किया, हम दिन रात काम करवा रहे हैं। इसी तरह हम एक बहुत सारे हॉस्पिटल्स नए जो रुके हुए थे उनको बनाया है, ज़ाहिर है हमारे टनोर में उनकी ओपनिंग हो गई, हमने शुरू भी करा दिए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह लोगों की दुआएं मिलेंगी हमें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो देख ही रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला देख रहा है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का मैंने कहा इस मुल्क में कहीं भी नहीं हो रही थी, अब वो ऐसी लेवल पे चली गई है कि जिस हार्ट सबसे ज़्यादा शर्म हुआ हमारी दिल की बीमारी से, हार्ट अटैक से। अब हार्ट अटैक में आप वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो अमेरिका में या यूरोप में, और एक रेडी बान को वो दे रहे हैं, एक रिक्शे वाले को, बड़ी बात, वो बर वक्त आ जाए उसको ये मिलेगा। इसी तरह फालिज का हम कर रहे हैं, पैरालाइज। अच्छा, तीसरा भी जो मैंने तीन दिन चार दिन पहले जाके किया कि पिंस पाकिस्तान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ पे न्यूरो सर्जरी हो तो रही थी LGH में, सब जिसको सर में चोट लगती है वो LGH आ जाता है, लेकिन बच्चों को मायूस किया जा रहा था, बच्चों को उनके पास नहीं था शोभा न्यूरो सर्जरी, तो हमने वो 50 बेड के करीब का बनाया, अब वहाँ बच्चे भी आ रहे हैं। आप हमारे स्पेशल गेस्ट थे मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, तो हम ये पाकिस्तान लार्जेस्ट ग्रुप है स्टील इंडस्ट्री का, उन्होंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा जो आपको हमेशा याद रहेगा कि ख्वाबों से तबीर तक हमारे साथ है। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।